शिव, भगवान शिव। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, हितकारी, जो मनुष्य का संपूर्ण रूप में कल्याण करे उसे शिव कहा जाता है। हितकारी, जो मनुष्य का सभी प्रकार से हित करे वो शिव होता है। लेकिन शिव किसी व्यवसाय के लिए श्रेष्ठतम इष्ट कैसे हो सकता है, प्रश्न है। क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी वेशभूषा में ऐश्वर्य कहीं दूर दूर तक नहीं आता। बभूत, सांप, शमशान, अजीब सी बात है, टोटली इनकोहरेंट। जो कुछ भी व्यवसाय के साथ, ऐश्वर्य के साथ हम जोड़ते हैं वो शिव के साथ दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी छोटी सी आयु से सुनते आए हैं कि जो व्यापार की, किसी भी कारोबार की जो सीट होती है, गद्दी होती है, उसे शिवादि गद्दी कहते हैं। ये शिव की गद्दी है। क्यों? ये प्रश्न निरंतर कई वर्षों से मन में आता रहा था। हालांकि इसका निदान तो बहुत वर्ष पूर्व हो गया था, फिर भी कार्यशाला आज रखी गई है। यूं ही हमारे यहां ऋषियों ने, दृष्टाओं ने ना तो किसी ईश्वर की शक्ति को कोई आकार यूं ही दे दिया मनमाने रूप से, और ना ही उसे किसी विशेष कार्य के साथ जोड़ा। उसके पीछे बहुत गहन अवलोकन, बहुत गहन दृष्टि रहती थी। शिव के साथ क्या ऐसी दृष्टि है? हालांकि ये विषय इतना विराट है, इतना विराट है कि यहां मात्र हमने अपने आप को एक छोटे से रूप में सीमित किया है। वो कौन सा रूप है? शिवा, द परफेक्ट गॉड टू एनी बिजनेस। इससे आगे नहीं, इससे आगे हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शिव का एक दूसरा नाम भी है, वो है आदिनाथ। आदिनाथ माने दी प्रिमोर्डियल गुरु। अनंत काल से, जब से यह सृष्टि आरंभ हुई है, अनहद स्वर का उपार्जन हुआ है, तब से वो गुरु रूप है। जितनी भी विशिष्ट अध्यात्म की साधनाएं हैं, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उनमें से अधिकांश दे ओ देयर ओरिजिन टू शिव संहिता। बहुत से संकलन जो शिव संहिता के नाम से हैं, उसमें बहुत गूढ़ ज्ञान, जिसकी बात मैं आज भी कर रहा था, चाहे वो स्वर से जुड़ा हुआ ज्ञान हो या किसी साधना से, शिव संहिता में उसका कुछ ना कुछ उल्लेख है। इतने बड़े चरित्र को, इतनी बड़ी शक्ति को अपने एक विषय में ले पाना इज सिंपली एंड प्योरली इम्पॉसिबल। इसलिए छोटा सा स्वरूप लेकर के आज उसकी चर्चा है, व्यापार के साथ, बिजनेस के साथ, बिजनेस ऑफ एनी काइंड। शिव का उससे क्या लेना देना है? व्यापार की परिभाषा अगर सनातन परिभाषा ली जाए, अगर उसे हम शास्त्रोक्त परिभाषा कहें, शास्त्रोक्त परिभाषा, तो वो क्या है? द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन एवं वितरण। किसका? पदार्थ का अथवा सेवाओं का, गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू नरिश द एंटायर क्रिएशन। क्रिएशन क्योंकि मनुष्य को ईश्वर का राजकुमार कहा गया है, उससे आशा की गई है कि यह सबका पोषण करेगा, प्राणी जगत का, वायु का, जल का, सबको पुष्ट करेगा। इसलिए यज्ञ हमारे यहां किया जाता है। यज्ञ के द्वारा हम पंचभूतों को भी पुष्ट करते हैं, हम वैचारिक मंडल को पुष्ट करते हैं, सभी को पुष्ट करते हैं। इसलिए मनुष्य से आशा की गई है, मनुष्य से यह आशा की गई है कि ये पदार्थ का अथवा सेवा का उत्पादन और वितरण इस रूप में करेगा कि सबको पोषण प्राप्त हो जाए। एवरीबडी गेट्स हिज ओन शेयर, इट्स ओन शेयर, सॉरी इट्स ओन शेयर। इसे व्यवसाय कहा गया है। और निश्चित रूप से जो प्रोडक्शन करेगा,
डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उसे अपने जीवित रहने के लिए भी साधन चाहिए, और उसी जीवित रहने वाले साधन का नाम है प्रॉफिट. When you dispense with any activity, irrespective that it's direct production of a good or a service, for your own self-sustenance, the profit component is considered to be legitimate. वो न्यायोचित है, उचित है. क्यों? क्योंकि उसके बिना आप स्वयं अपने आप को जीवित नहीं रख सकते, तो आप ऐसी पदार्थ या सेवाएं कहां से उत्पन्न करोगे जिससे सृष्टि का पोषण हो सके. इसलिए व्यापार की सीधी सी परिभाषा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू नरिश, टू डिस्ट्रीब्यूट एंड नरिश द एंटायर क्रिएशन. ये व्यापार की परिभाषा है. इसमें शिव कहां से आ गए? इसमें शिवत्व कहां से आ गया? इसमें शिव की गद्दी कहां से आ गई? आ गई. कैसे आ गई? एक छोटे से प्रतीक के साथ आती है. कौन सा प्रतीक है? वो प्रतीक है त्रिशूल. त्रिशूल, त्रिशूल हैज गॉट व्हाट टू डू विद बिजनेस, व्हाट टू डू विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. त्रिशूल का उससे क्या लेना देना है? त्रिशूल तो एक शस्त्र है, इट्स अ सिंपल वेपन. उसका तो संहार किया जाता है शत्रु को नाश करने के लिए. उसका व्यापार से क्या लेना देना? हाँ, इसके साथ एक और प्रश्न भी जुड़ा हुआ है. क्या